रेडी टू गो। और मैं ज़्यादा मेकअप वगैरह करती नहीं हूँ, इसलिए बहुत फटाफट मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो अभी बजे है सुबह 7:30 और हम लोग निकल चुके हैं चाकला धाम के लिए। वेदर बहुत ही अच्छा है, वैसे भी धूप तो है बट फिर भी एक हल्का सा ठंडा वाला मौसम है, ऊपर से थोड़ा बहुत धूप का गर्मी भी है, तो कुल मिला के बहुत अच्छा वेदर है। तो हम ले रहे हैं सफ़र का मज़ा। अभी बजे है सुबह 8:30 और हम आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट में लिए है आटे की रोटी और सब्ज़ी, साथ में गर्मा गर्म चाय भी। ब्रेकफास्ट के बाद हम फिर से निकल चुके हैं बाकी रास्तों के लिए। बहुत दिनों बाद ऐसा गांव का रास्ता दिखा, ऐसा गांव का एनवायरनमेंट देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली सफ़र का मज़ा तो रास्तों में ही है, तो ऐसा गांव का जो एनवायरनमेंट है ये बहुत ही आँखों को भी एक सुकून दे रहा है। तो अभी बजे है सुबह 10:30 और हम लोग पहुंच गए हैं चाकला धाम, बाबा लोकनाथ का जन्म स्थान। हम लोग खड़े हैं पार्किंग एरिया में और दूर दिख रहा है बाबा लोकनाथ जी का मंदिर। और ये हमने ले लिया है पूजा की डाली। अब हम आ गए हैं मेन मंदिर के अंदर। हम अंदर जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे पूरा मंदिर एरिया। कोई कहता है ये चाकला जो है यही है बाबा लोकनाथ का असली जन्म स्थान, कोई कहता है चाकला से कुछ दूर बाद लगभग 10 किलोमीटर दूर और एक जगह है, नाम है कचुआ, वो है बाबा लोकनाथ का असली जन्म स्थान। और कोई कहता है प्रेजेंट बांग्लादेश में कहीं पे बाबा लोकनाथ का जन्म हुआ था। तो ये एक कंट्रोवर्सी है। हम फ़िलहाल मंदिर के अंदर आ चुका है और हम आपको जितना हो सके मंदिर एरिया कवर करके दिखाएंगे। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी मना है, तो इसलिए हम मंदिर के बाहर से ही वीडियो ले रहे हैं, लेने की कोशिश कर रहे हैं। और हम अंदर तो मोबाइल कैमरा ऑन नहीं कर सकते। सब लोग दिए बाती जलाते हैं। मेरी माँ ने भी यहाँ पे आया है दिया बाती जलाने के लिए। का और एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ का सब्जी मार्केट, यहाँ पे लोकल एरिया में बहुत ही ताज़ा फ्रेश सब्ज़ी उगलते हैं। बहुत सारे नर्सरीज़ भी हैं, हम आते वक्त देखा, और बिकते भी हैं एकदम फ्रेश वेजीज़। वेजीज़ के साथ साथ ऑब्वियसली फ्रूट्स भी बहुत ताज़ा यहाँ पे उगलते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए हैं अमरूद की चाट खाने के लिए। ये बहुत ही यम्मी सा एक चीज़ है, मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोग भी ट्राई करना। तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे बहुत सारे नर्सरीज़ भी हैं जहाँ पे बहुत छोटे छोटे पेड़ वगैरह बिकते हैं। तो हम एक नज़दीक वाले नर्सरी में आ गए हैं, थोड़ा घूम फिर के देख रहे हैं नर्सरी। आप भी देख सकते हो कितने सारे पेड़ पौधे हैं यहाँ पे। बाजू में घूम फिर लिया, फिर हम आ गए हैं भोग लेने की लाइन में। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे दो तरीके की भोग मिलते हैं, एक है राजभोग और दूसरा है खिचड़ी भोग। तो हम यहाँ पे राजभोग की लाइन में आए हैं। ऐसा एक कूपन दिया जाता है और हमारा लाइन आगे बढ़ रहे हैं। आखिरकार हम अंदर आ गए हैं। 15 मिनट लाइन देने के बाद हम भोग लेने के लिए, भोग खाने के लिए आ गए हैं। मैं बता देती हूँ, यहाँ पे आपको पार्सल भी मिल जाता है। तो राजभोग में हमें पहले मिला है थोड़ा सा खिचड़ी, फिर उसके साथ दिया गया है एक सब्ज़ी। तो फिर खिचड़ी के बाद हमें मिला है पुलाव। बंगाली में इसको कहते हैं बासंती पुलाव। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है, मेरा बहुत फेवरेट है ये। और इसके साथ हमें मिला है सोयाबीन करी। राजभोग का यही खासियत है, यहाँ पे पुलाव खिचड़ी दोनों एक साथ मिलता है। फिर मिला है चटनी, चटनी के साथ मिला है पापड़ और आखिर में थोड़ा सा खीर भी मिला है। तो हम भोग खाकर, भोग थोड़ा सा पार्सल भी लेकर हम निकल चुके हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन कचुआ की तरफ। जैसे मैंने कहा कि कहा जाता है कचुआ भी बाबा लोकनाथ का जन्म स्थान है, ये कंट्रोवर्सी है। चाकला धाम से कचुआ 10 किलोमीटर्स के दूरी पर है। तो हम आ गए हैं कचुआ में। कचुआ भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत बड़ा एरिया लेकर भी है ये। और पर्सनली मैं बताऊंगी कि मुझे चाकला से ज़्यादा कचुआ ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे आते ही मुझे एक सुकून सा मिल रहा है। यहाँ पे भी भोग मिलते हैं। जैसे कि हम आए थे 3 बजे के बाद, तो हमें भोग नहीं मिला था। हम बस बाबा लोकनाथ का दर्शन करके ही यहाँ से निकल चुके हैं हमारी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। वो क्या है, जाते जाते बताते हैं आपको। यहाँ पे भी मंदिर के अंदर फोटोग्राफी मना था, तो मैंने बाहर से छुपके से लिया है फोटो। तो हम निकल चुके हैं हमारी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका नाम है टाकी। ये टाकी है भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया। यहाँ पे है ईछामोती रिवर। ये रिवर के बीच में से है इंटरनेशनल बॉर्डर। यहाँ पे दुर्गा पूजा का जो विसर्जन यानी कि भाषण होता है, ये बहुत ही एक देखने वाली चीज़ है, बहुत फेमस है। बहुत सारे लोग यहाँ पे भाषण देखने के लिए आते हैं। तो ये हम आ पहुँचे हैं टाकी। नदी के उस पार का जो लैंड आप लोग देख रहे हैं वो है बांग्लादेश, और नदी के एकदम बीच में है इंटरनेशनल बॉर्डर। कचुआ से टाकी है लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर, और इतने दूर आकर मुझे तो चाय की ज़बरदस्त प्यास लगी थी और हमने ले लिया है चाय। और इसके साथ साथ हमने मोमोज भी लिए हैं। उस पार बांग्लादेश, इस पार इंडिया, हाथ में गर्मा गर्म चाय की चुस्की, साथ में मोमो। मतलब यहाँ पे खड़े होकर मैं जो फील कर रही हूँ ना, वो आप लोगों को शायद मैं कहीं भी नहीं सकती। एक अलग ही फीलिंग्स है। यहाँ पे वैसे तो साइट सीइंग के लिए बहुत सारी जगह है, हमारे देर हो रहे थे इसलिए हम नहीं कर पाए। आप चाहे तो गेस्ट हाउस में एक दिन रुक के हर साइट सीन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो लिस्ट है साइट सीन का वो दे दिया। अब बारी है घर लौटने की, तो हम कोलकाता से हमारा घर आ रहे हैं हावड़ा में।